नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए आखिरी दौर का मतदान पूरा हो चुका है और अब एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं। इस पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव समेत बिहार सांसद तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। विपक्षियों ने क्या कहा एग्जिट पोल को लेकर, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव के सभी चरणों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में सोमवार को सातवें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले गए। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने लगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बड़ी बात कही। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी अच्छी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे दिख रही है। हालांकि इन सबके बीच अखिलेश यादव ने पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोमवार शाम को ट्वीट किया कि सातवें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं को बहुत बहुत आभार, हम सरकार बना रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों में सपा की जीत का दावा कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। 10 मार्च को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर क्या रिएक्शन दिया, चलिए आपको बताते हैं। सपा नेता ने कहा कि एग्जिट पोल्स मॉनिटर्ड है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 300 प्लस सीटें जीत रहा है। उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक मतगणना कराएं और 10 मार्च को विजय पताका फहराने के लिए तैयार करें। तो एक तरफ तो सपा प्रमुख ने भी ये साफ कर दिया है कि सपा की सरकार बनेगी, वहीं उन्हीं से सुर मिलाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा यूपी की जनता बीजेपी को आईना दिखा रही है। तेजस्वी यादव के बाद जयंत चौधरी भी पीछे नहीं है। जयंत चौधरी ने कहा कि जब एक ईवीएम खुल नहीं जाती, किसी को भी नतीजे का पता नहीं चल पाता। एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है, पोलिंग बूथों पर किसी एग्जिट पोल के व्यक्ति को नहीं देखा, पता नहीं उन्हें अपना डेटा कहां से मिलता है। यहां एक नजरिया है और मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये एक मानसिक दबाव बनाने की युक्ति है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। राज्य में बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए किसी भी पार्टी को 202 सीटें हासिल करनी होंगी। पिछली बार एनडीए ने 300 सीटें हासिल की थी और समाजवादी पार्टी 50 से कम के आंकड़े पर सिमट गई थी। हालांकि इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फाइनल नतीजे अब 10 मार्च को आएंगे। तो एक तरफ बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार बहुमत की सरकार बनाएंगे, तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख ने भी अपना रिएक्शन दिया। वहीं 10 मार्च को भी अखिलेश यादव आ रहे हैं, ट्विटर पर आजकल ट्रेंड करा है। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस है या सच, ये तो 10 मार्च को यानी 2 दिन बाद साफ हो जाएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।